सब्सक्राइब कीजिए धर्म शिक्षा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नवीनतम ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों हमारे धर्म में पूजा पाठ में हमेशा तांबे के बर्तन का उपयोग होता है। जो भी चीज हम अक्सर पूजा पाठ में उपयोग में लाते हैं वो या तो तांबे का होता है या तो अष्ट धातु का या कांसे का होता है, लेकिन तांबे के बर्तन का पूजा पाठ में उपयोग करना सबसे शुभ माना जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि तांबे का बर्तन ही हमारे पूजा पाठ में क्यों उपयोग में लाया जाता है, किसी और चीजों का बर्तन क्यों नहीं उत्तम होता है पूजा पाठ करने के लिए? अगर आप जानना चाहते हैं क्यों, तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मित्रों तांबे का बर्तन हमारे पूजा पाठ में उपयोग में क्यों आता है, इसके दो कारण है। एक तो पौराणिक कारण जो कि हमारे शास्त्रों में है, दूसरा वैज्ञानिक कारण। आइए पहले हम जान लेते हैं पौराणिक कारण को, उसके बाद हम जानेंगे वैज्ञानिक कारण को। पौराणिक कथा है जो कि वराह पुराण में है। बहुत प्राचीन समय में गुडाकेश नाम का एक राक्षस था। वह राक्षस होने के बावजूद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उसने भगवान विष्णु की एक बार बहुत घोर तपस्या की और भगवान विष्णु से उसने वरदान मांगा कि आपके चक्र से मेरी मृत्यु हो, सुदर्शन चक्र से आप मेरा वध करें ताकि मैं सीधा वैकुंठ लोक जा पाऊं और मेरे शरीर का उपयोग पूजा पाठ में हो। तो भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया, ठीक है ऐसा ही होगा, समय आने पर मैं तुम्हारा वध चक्र से करूंगा और तुम्हारा शरीर पूजा पाठ में उपयोग में आएगा। समय आने पर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका वध किया और बचे हुए शरीर को एक धातु का शरीर बना दिया जो कि तांबा था, और उसके शरीर से बर्तन बनाकर उसी समय से पूजा पाठ में तांबे का उपयोग होता है। तो मित्रों ये तो रही पौराणिक कथा, अब जान लेते हैं इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है। मित्रों तांबा जहाँ कहीं भी होता है वहाँ निगेटिव एनर्जी का संचार नहीं होता है। तांबे के बर्तन में अगर आप पानी पीते हैं तो यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम रहता है। और इतिहासकारों के अनुसार सबसे पहले मानव ने जिस धातु की खोज की वो तांबा ही है। ताम्रयुग ही सबसे पहले आया, धातुओं में सबसे प्राचीन धातु जो है वो तांबा ही है। तो हमारा धर्म यानी कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है विश्व का, हमारी सभ्यता सबसे प्राचीन है। इसी कारण जिस समय तांबे का खोज हुआ होगा उसी समय से हम तांबे का उपयोग पूजा पाठ में अपने करते हैं। इसी कारण हिंदू धर्म में तांबे का इतना ज्यादा महत्व है। तो मित्रों मुझे उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो दूसरों तक भी शेयर करके बताएं ताकि सबको जानकारी मिल पाए कि हम अपने पूजा पाठ में तांबे के बर्तन का ही उपयोग क्यों करते हैं। तो मित्रों मिलते हैं इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें धर्म शिक्षा। धन्यवाद।